गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने विद्युत विदुर के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत विदुर के एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत विदुर के एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, उसका कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं। पहले तो इस अक्ष की बात करते हैं कि अक्ष होता ही क्या है। मान लीजिए बेटा जी, ये कोई माइनस क्यू आवेश है द्विध्रुव का जो बिंदु ए पर है, ये प्लस क्यू आवेश है द्विध्रुव का बिंदु बी पर है, और जनरली अपन ये मान के चलते हैं कि दोनों पॉइंट चार्जेज के बीच की डिस्टेंस 2a है और इनका मिड पॉइंट O है। मिड पॉइंट O है तो A से O तक की डिस्टेंस भी a हो गई और O से B तक की डिस्टेंस भी स्मॉल a हो गई। क्लियर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a है। माइनस q और प्लस q पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली ये लाइन डाइपोल का एक्स होती है, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। क्लियर, ये वाली लाइन है उसको अपन विद्युत द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। अब बेटा जी, इसके अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है और उस बिंदु P की दूरी आपको गिवन है। बिंदु P की दूरी है वो एक्चुअल में इसके मिड पॉइंट से आपको स्मॉल r गिवन है। ये दूरी आपको स्मॉल r गिवन है, बिंदु P के विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी। क्लियर, आपको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, उसका कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा है। एक बार और मैं डिटेल में आपको यहां पर बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। कोई भी पॉइंट चार्ज Q है उससे r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/r2। एक तो ये आना चाहिए आपको। दूसरा, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी आती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा KQ/r2, लेकिन डायरेक्शन आती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी है, मैग्नीट्यूड इज KQ/r2 इफ द डिस्टेंस इज स्मॉलर। क्लियर, ये बातें आपको पढ़ा रखी हैं, ये आपको आनी चाहिए। अब बेटा आपको पहले तो ये बताओ किसके कारण तीव्रता चाहिए, द्विध्रुव के कारण चाहिए, किस बिंदु पर चाहिए, पी पर। अब द्विध्रुव के कारण तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आता नहीं है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण अपने को आता है। पॉइंट चार्ज चाहे प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू, उनके कारण तीव्रता अपने को पता है, उसके लिए सूत्र लगाएंगे KQ/r2। तो कंसेप्ट ये है, आप पहले प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर कैलकुलेट कीजिए, फिर माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पर कैलकुलेट कीजिए, और फिर दोनों का सदिश योग कर दीजिए। आपको अध्यारोपण का सिद्धांत याद आ रहा होगा, मैंने कहा था यदि एक बिंदु आवेश हो तो KQ/r2, यदि बिंदु आवेश बहुत सारे हो तो एक एक के कारण पहले कैलकुलेट करो और फिर फाइनली उनकी तीव्रताओं का सदिश योग कर दो। ऐसा ही अपन करेंगे, कंसेप्ट यही है। एक बार अपन प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे, फिर बेटा दोनों तीव्रताओं का सदिश योग कर देंगे तो कंप्लीट द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो बताइए आप पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात कर लेते हैं। बताओ बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पी पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पी पर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। एक बार तो परिमाण बताइए, दिशा नीचे लिख देंगे पर अलग से मेंशन कर देंगे। परिमाण E1 होता इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर। पहले तो बताओ बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी वो इधर नहीं आएगी क्या, इस दिशा में नहीं आएगी क्या, जिसको अपन E1 मान रहे हैं। क्यों आएगी बताओ, धनावेश से दूर। क्लियर,
वो ई1 चाहिए तो बताओ इस ई1 को ज्ञात करने के लिए आपको इस डिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट है भाई, कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी कितनी होगी। और वो क्लियर है बेटा, यदि आप डायग्राम को अच्छे से रीड करेंगे तो बात क्लियर है। बताओ ये डिस्टेंस ए है यहां से यहां तक की, ये आर है तो रिमेनिंग, ये आर है ये ए है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, आर माइनस ए। सिंपल सी ज्योमेट्री है, इसमें पीएचडी तो कुछ है नहीं, ऐसी कोई टिपिकल बात है नहीं बेटा। यदि ये टोटल आर है ये ए है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, आर माइनस ए। तो एक बात बताओ, एक बात क्लियर नहीं हो गई क्या, इस क्यू आवेश से आपको बिंदु पी पर तीव्रता चाहिए, और उस तीव्रता को अपन ने ई1 माना है। ई1 मैंने इधर ही क्यों लगाया, क्योंकि उस इस बिंदु पर तीव्रता धनावेश से दूर आएगी। मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है। और डिस्टेंस बताओ क्यू आवेश और बिंदु पी के बीच की कितनी हो गई, आर माइनस ए। तो वही सूत्र लगाओ परिमाण के लिए, E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट आर की जगह बिंदु पी की दूरी कितनी है, आर माइनस ए, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर, ये समीकरण है। लेकिन बेटा कुछ तो ये परिमाण लिख करके ही छोड़ देते हैं। अरे मैंने कहा ना, एक बार प्लस क्यू के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे, एक बार माइनस क्यू के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर इनका सदिश योग करेंगे, और सदिश योग बिना दिशा के हो नहीं सकता बेटा। तो दिशा बताओ, तथा E1 सदिश की दिशा चित्र अनुसार, चित्र में दिखा रखी है अपन ने, चित्र अनुसार बीपी सदिश की ओर प्राप्त होती है। चित्र अनुसार बीपी सदिश की ओर प्राप्त होती है, क्लियर, बी से पी की ओर आ रही है। आई थिंक ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहला काम अपन ने कंप्लीट कर लिया। देखो द्विदूर के कारण तो डायरेक्ट सूत्र नहीं आता था, लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी प्रतिवर्ता अपन ने ज्ञात कर ली। ऐसे ही अब अपन माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण, बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E2 हो, तो मान लिया मैंने कि परिमाण E2 है, दिशा बाद में लिख देंगे। बताओ बिंदु पी पर अब किसके कारण ज्ञात कर रहे हैं, माइनस क्यू के कारण। बताओ इस माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता इधर नहीं आएगी रे, इधर क्यों लगाई अब मैंने दिशा बिंदु पी पर इस माइनस क्यू के कारण। मैंने पहले ही कहा था धनावेश से तीव्रता की दिशा होती है धनावेश से दूर, और ऋणावेश पर होती है ऋणावेश की और ऋणावेश के कारण। तो बिंदु पी पर इस माइनस क्यू आवेश के कारण आपने तीव्रता E2 मानी है, और इस E2 की दिशा दिखाओगे ऋणावेश की ओर। तो एक बार तो परिमाण की बात करें, एक बार तो परिमाण ही बताए, बताओ एक बार परिमाण कितना आएगा, फटाफट बताइए। परिमाण आएगा E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन, कुछ बच्चे तो माइनस क्यू कर देते हैं, मैं कब से कह रहा हूं चाहे प्लस का आवेश हो चाहे माइनस का हो, परिमाण होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअल में प्लस और माइनस का फर्क बेटा इसकी दिशा पर पड़ता है, दिशा तभी तो मैंने इधर दिखाई है। देखो धनावेश वाले के जस्ट विपरीत नहीं दिखाई कि दिशा, तो परिमाण पर कोई फर्क नहीं है के क्यू। अब बताओ इस माइनस क्यू से इस बिंदु पी पर तीव्रता चाहिए, तो ये डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, बिंदु आवेश से दूरी तो चाहिए ही अपने को बिंदु की। ये दूरी बेटा यदि आप चित्र को ढंग से देखेंगे, देखो ढंग से, ये टोटल कितनी है यहां से यहां तक की, भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ए, और ये दूरी कितनी है आर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आर प्लस ए। नहीं समझ में आई आपके अब भी बात, भाई बेटा ये आर है मध्य बिंदु ओ से पी की दूरी आर है, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस ए है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई आर प्लस ए। तो फॉर्मूला लगाओगे के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर, इट्स इक्वेशन सेकेंड। दिशा बताओ, तथा E2 सदिश की दिशा चित्रानुसार, बताओ E2 सदिश की दिशा चित्रानुसार, बताओ E2 की किधर से किधर होगी, चित्र में दिखाए अनुसार पी से ए की ओर, नहीं हो रही है क्या, पी ए सदिश की ओर प्राप्त होती है। पी ए सदिश की ओर प्राप्त होती है,
ये तो बेटा अपन ने दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब अपने को न तो प्लस क्यू के कारण चाहिए न माइनस क्यू के कारण, हेडिंग के अकॉर्डिंग अपने को तो विद्युत विदुर के कारण चाहिए बेटा। अब विद्युत विदुर के कारण चाहिए तो इन दोनों का कैसा योग करोगे? सदिश योग। अब सदिश योग करोगे तो एक बात बताओ, आप ई1 और ई2 को ढंग से देखो, ढंग से देखो। ई1 में आप आर के क्यू को आर माइनस ए के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ई2 में आप के क्यू अपॉन आर प्लस ए के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। अब बताओ आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए के स्क्वायर के कंपेरिजन में छोटा है भाई, आर प्लस ए तो बड़ा ही है। अब ये बड़ा है, बड़े का भाग दोगे तो वैल्यू छोटी आएगी, छोटे का भाग दोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। इसका मतलब ई1 की वैल्यू ई2 से बड़ी है। ये सुनो, E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है तो बताओ परिणामी इस दिशा में नहीं आएगा क्या, E1 की दिशा में? अरे वही कंसेप्ट हो गया, यदि आपकी थोड़ी बहुत बात दिमाग में चढ़ रही हो, आपको लग रहा हो, कंसेप्ट सिंपल सा है। यदि 15 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो परिणामी बल कितना लगेगा? 5 न्यूटन किधर लगेगा बताओ? 15 वाले की दिशा में। दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उनका सदिश योग का परिमाण ज्ञात करते हो तो वो परिमाण बड़े वाले की तरफ आएगा, और कितना आएगा? E1 माइनस E2। ध्यान रखना, तो एक्सियल वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। ये तो समझ में आया क्या, परिणामी तीव्रता इस दिशा में क्यों आई, इस दिशा में क्यों नहीं आई? क्योंकि E1 का मान बड़ा है और E2 का मान छोटा है। ये तो मैंने मैथमेटिकली बताया कि E1 बड़ा है छोटा है, कॉन्सेप्चुअली देखो E1 और E2 बड़े और छोटे कैसे हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 मानी थी, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कम है इसलिए इसका परिमाण ज्यादा है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी ज्यादा है इसलिए इस ई2 का परिमाण कम है। ई1 बड़ा है, ई2 छोटा है, तो बताओ नेट तीव्रता ई1 की ओर की ई2 की ओर? ई1 की ओर आएगी। और वो बताओ परिमाण ई1 माइनस ई2 की, ई2 माइनस ई1, ई1 माइनस ई2। क्लियर? तो ये बात है। तो बताओ परिणामी तीव्रता के लिए समीकरण 1 और 2 से एक बात क्लियर हो गई अपने पास में। समीकरण 1 तथा 2 से अपन ये निष्कर्ष पर पूछे हैं कि E1 का परिमाण E2 के परिमाण से ज्यादा है। क्लियर? E1 का परिमाण E2 के परिमाण से ज्यादा है, अतः नेट तीव्रता कितनी हुई वो एक्सप्लेन करते हैं। अतः अक्षीय बिंदु P पर, अक्षीय बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बताओ। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना आएगा? E1 माइनस E2। ये बात यदि आपके समझ में आ गई तो यूं मानो सब भी समझ में आ गया। क्यों E1 माइनस E2? क्योंकि E1 सदिश व E2 सदिश की दिशा विपरीत है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तथा E1 का परिमाण है वो E2 से बड़ा है। अब E1 का परिमाण E2 से बड़ा है तो बताओ नेट E1 माइनस E2 की E2 माइनस E1, E1 माइनस E2। परिमाण की बात कर रहे हैं, दिशा लास्ट में लिख देंगे बेटा, सदिश रूप में शो कर देंगे। क्लियर? चलिए अब आप बताइए, बताओ तीव्रता अक्ष पर कितनी आएगी, ई अक्ष पर कितनी आएगी? E1 बोलो कितना है, E1 था आपके पास में के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर। E2 बोलो के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से देखो फिजिक्स का तो कोई रोल रहा नहीं, मैथमेटिक्स है वो भी सिंपल वाली जो आप सोल्व कर सकते हैं, लघुत्तम लेना सोल्व करना ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और यदि आपके लिए बड़ी बात है तो फिर यू मान लो आपके लिए पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। बेटा जी आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया, नहीं आ गया क्या? के क्यू दोनों में से कॉमन आ गया, नहीं आ गया के क्यू कॉमन? एक स्टेप में आ गया हूं, समझ गया ना बात को? के क्यू कॉमन आ गए तो आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर एलसीएम आया तो ऊपर बनेगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, चलो मैं इसको आगे ही सोल्व कर देता हूं। यहां पर बताओ कितना आएगा, के क्यू आर प्लस ए होल स्क्वायर क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए आर।
आर माइनस ए होल स्क्वायर क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए आर अपॉन अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी तो 10th क्लास में पढ़ लेते हैं अपन। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस का या माइनस का कैंसिल, या माइनस माइनस प्लस, तो 2 ए आर एंड 2 ए आर मैक्स 4 ए आर। तो बेटा यहां से आपके पास एक्स पर तीव्रता आ जाएगी के क्यू इंटू 4 ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं, सिंप्लीफाइड वे में देखिए। इसका रीअरेंजमेंट कुछ मैंने ऐसे कर लिया, देखिए गलत तो नहीं कर लिया, देखना। के क्यू इंटू 2 ए इंटू 2 आर, भाई 4 ए आर को केवल 2 ए इंटू 2 आर लिखा है, 2 ए इंटू 2 आर 4 ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए इस क्यू इंटू 2 ए को, दिख रहा है क्यू इंटू 2 ए, ये मैंने पढ़ा दिया आपको बेटा। बिकॉज ऑफ क्यू इंटू 2 ए कैन बी रिप्लेस्ड बाई पी। अरे क्यू इंटू 2 ए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पढ़ाया क्या? किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है पी। तो मैंने इसको पी से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही आप इसको पी से रिप्लेस करोगे, बताओ पी से रिप्लेस करते ही क्या आएगा? अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी ई एक्स बराबर, बताओ अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू इंटू 2 ए हो गया पी इंटू 2 आर अपोन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा इसमें एक अपन देखो कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं? उस कंडीशन के लिए पहले तो मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैंने आपको कहा था ये बात, विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ये 2 ए जो आपने लिए बहुत छोटी होती है। 2 ए छोटी है तो ए बताओ बहुत छोटी है, एक का स्क्वायर तो और भी छोटा है। कुछ बच्चे का सर स्क्वायर करने पर तो वैल्यू बढ़ती है, अरे 0.1 का स्क्वायर करो, देखिए 0.01 नहीं आता है क्या? यदि बहुत छोटी वैल्यू है 0.1, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.01 नहीं आएगा। और मैंने तो कहा था इसके बीच में एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर की डिस्टेंस होती है। तो भाई साहब आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशन क्या है वो सुनिए। यदि यदि आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ा है। और ऐसा होता भी है विद्युत द्विध्रुव में, यदि प्रैक्टिकली अपन बात करें तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम होती है। मैंने NaCl का एग्जाम्पल देके आपको समझाया था कि एक एंगस्ट्रॉम की दूरी है Na+ और Cl- के बीच में, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिया था आपको, सोडियम क्लोराइड का याद आ रहा है क्या? तो बताओ ए बहुत कम, 2 ए ही बहुत कम है तो ए स्क्वायर तो बहुत कम आएगा। तो मैंने कहा आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अब बताओ आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा है, तो बताओ इस ए स्क्वायर को अपन क्या कर सकते हैं? नगण्य। तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, बताओ नगण्य मानेंगे तो क्या होगा? फटाफट बताओ। नगण्य का मतलब तो समझते हो क्या? जैसे मान लो आर स्क्वायर तो है वो 100 है और ए स्क्वायर है वो 0.00001 है। अब बताओ ये अप्रोक्सीमेटली 100 ही तो आएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको आप 0 कंसिडर कर लो। समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, आई थिंक बात समझ में आई होगी आपके। तो वही खेल यहां पर है बेटा, वही खेल यहां पर है। ए स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो एक्स पर तीव्रता आएगी, एक्स पर तीव्रता आएगी के पी इंटू 2 आर अपोन, इसको 0 कर दिया तो आर स्क्वायर की स्क्वायर होगा तो आर की पावर 4 नहीं बनेगा क्या? ए स्क्वायर को तो नगण्य कर दिया अपने, 0 लिख दिया, आर से आर कैंसिल, तो ये बनेगा 2 के पी अपोन आर क्यू। ये तो केवल बेटा किस इसका परिमाण आया, सदिश रूप में लिखवा ले तो सदिश रूप में बताओ तीव्रता कितनी आएगी। तो सदिश रूप में और बताता हूं मैं आपको देखे। चलो सदिश रूप में बताने के लिए पहले तो ये देखो, इधर आएगी अक्ष पर तीव्रता, इधर आएगी, क्यों आएगी ये बताओ पहले तो। इधर क्यों आई? इधर इसलिए आई बेटा क्योंकि E1 बड़ा था और E2 छोटा था। तो बताओ परिणामी की दिशा, यदि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो बड़े वाले की ओर होती है, वही बात 15 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, तो बताओ परिणामी बल 5 न्यूटन किधर, 15 न्यूटन की ओर। तो भाई साहब इधर आई, इधर आने का मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर आ रही है। और आप सबको पता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी सदिश की।
नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर दिशा किसकी होती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी सदिश की। तो बताओ पी सदिश की दिशा इधर आएगी कि नहीं आएगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में आएगी। तो भाई साहब अक्ष पर तीव्रता यदि सदिश रूप में लिखनी हो तो मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं सदिश रूप में, सदिश रूप में। बताइए सदिश रूप में तीव्रता कितनी आएगी एक्स पर? एक्स पर तीव्रता आएगी ई एक्स इक्वस टू टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब कोई पूछ लेना आज के बाद में कि सदिश रूप में ई पर आपने सदिश लगाया तो पी पर क्यों लगा दिया? क्योंकि अक्ष पर स्थित बिंदु पर परिणामी तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही आती है। ई और पी की दिशा समान है कि अलग अलग है? समान है। यदि विपरीत होती तो मैं पी के पीछे माइनस साइन लगाता, और यदि किसी एंगल पर होती तो फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता, लेकिन यहां तो ई और पी दोनों की दिशा समान है, तो ये इसका सदिश रूप हो गया और परिमाण हो गया टू के पी अपॉन आर क्यूब। अक्ष पर तीव्रता का परिमाण ध्यान रखना कितना आता है? ई एक्स, वो परिमाण आता है टू के पी अपॉन आर क्यूब। अच्छे से दिमाग में रखना, ये भी एम टी आर आपके लिए डायरेक्ट याद रखना है, न्यूमेरिकल आ जाता है। और ये बात भी याद रखनी है कि परिणामी तीव्रता की दिशा पी की दिशा में आती है। क्लियर है? ये हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, पहले तो निरक्ष बताता हूं, जैसे अक्ष बताया वैसे निरक्ष क्या चीज होती है। पहले द्विध्रुव बनाते हैं, चलो एक ये द्विध्रुव है बेटा, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये इसका मध्य बिंदु। और आपको कब से कह रहा हूं कि जनरली अपन डिस्टेंस 2a मान लेते हैं ताकि मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाए, क्योंकि अपन डिस्टेंस ओ से मेजर करते हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, यदि ये ए मान लिया आपने तो ये बाई टू होगा, फिर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाई फोर बनेगा। तो फालतू में मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन क्यों करें? जम्पशन ऐसा लो, मानना ही है तो ऐसी चीज मानो जो आगे सिंप्लीफाइड हो, तो सिंपल वे में हो जाए। बिल्कुल देखिए, इस मध्य बिंदु ओ से गुजरने वाली, इस मध्य बिंदु ओ से गुजरने वाली रेखा काल्पनिक होती है वैसे, ये रेखा कल्पना ही तो कर रहे हैं, जो इसके अक्ष के लंबवत है, इसको अपन इसका निरक्ष कहते हैं। वो नीचे भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। अब बेटा ये निरक्ष के किसी भी बिंदु पर, जैसे मैंने ये बिंदु P ले लिया, अब बताओ बिंदु P निरक्ष का है कि अक्ष का है? मेरे को ये बताओ, निरक्ष का है। अक्ष का होता तो बेटा इसके अक्षीय रेखा पर स्थित होता, निरक्ष का है तो इसके निरक्ष पर स्थित है। निरक्ष की रेखा क्या होती है? वो रेखा, वो काल्पनिक रेखा जो इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से तो पास होती है और इसके अक्ष के लंबवत होती है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। बेटा जी ये निरक्ष का बिंदु P है और इस P बिंदु के मध्य बिंदुओं से दूरी R है। आपको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मैं नहीं, आप बताओ, खुद बताओ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करोगे? अगेन वही बात, एक बार बेटा प्लस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे। बताओ प्लस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे तो ये दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? प्लस क्यू आवेश की बिंदु से बिंदु P की दूरी, ये दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ ये दूरी चाहिए। ये दूरी कितनी आएगी ये बताने की जरूरत नहीं है, ये ए है ये आर है, तो बेटा ये दूरी आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मत पूछ लेना कहां से आई बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया आर ए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की दिशा इधर आएगी कि नहीं आएगी? धन आवेश से दूर, इस साइड में दिशा आएगी धन आवेश से दूर। इसको अपन ने क्या माना है बताओ? E1 सदिश।
E1 सदिश का मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही एक बार अपन माइनस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का सदिश योग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वो का वो कंसेप्ट है, फर्क केवल बिंदु का है। बिंदु P अब अक्षीय नहीं है, निरक्षीय बिंदु है। निरक्ष क्या होता है? निरक्ष रेखा वो होती है जो इसके एक्स के तो लंबवत और इसके मध्य बिंदु से गुजर रही हो। इस रेखा को अपन निरक्ष बोलेंगे, नीचे भी। अब इस पर कोई भी बिंदु मान लो, उसको निरक्ष का बिंदु बोल देंगे। क्लियर? तो बताओ E1 की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट बताओ। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E1 हो तो। चलो परिमाण E1 हो तो क्या विचार है आपका E1 का, फटाफट बताओ। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता परिमाण E1 आएगा के क्यू अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये समीकरण एक, इसकी दिशा बताओ। मैं यही लिख देता हूं, इसकी इसकी का मतलब E1 सदिश की दिशा चित्रानुसार बताओ। चित्रानुसार किधर प्राप्त होती है? बी से पी की ओर, बीपी सदिश की ओर प्राप्त होती है। अब इसमें समझाने लायक कोई बात नहीं है, पिछला टॉपिक यदि आपने अच्छे से पढ़ाया तो ये तो बिल्कुल ईजी है। ऐसे ही बताइए, इसी प्रकार अपन किसके कारण ज्ञात कर लेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E2 हो तो, तीव्रता का परिमाण E2 हो तो बताओ। तीव्रता का परिमाण E2 हो तो क्या करोगे? अपने को ये डिस्टेंस चाहिए नहीं चाहिए? चलो मैं इसको ब्लू पेन से बनाता हूं, ये डिस्टेंस चाहिए। अगेन बेटा ये दोनों ट्रायंगल हैं, वो एक दूसरे के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट है। ये डिस्टेंस ए है, ये आर है, तो बताओ ये डिस्टेंस अगेन कितनी आएगी? ये वाली इधर लिख देता हूँ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगी। अब बताओ माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता चाहिए, फटाफट बताओ। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का क्या सूत्र होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गया? दो। अब इसकी दिशा बताओ E2 की किधर आएगी? क्या E2 की दिशा इधर नहीं आएगी क्या? इधर क्यों लगाई रहा, ऊपर की ओर क्यों नहीं लगाई? प्लस क्यू आवेश के कारण तो बिंदु पी पर दिशा इधर लगाई है, धनावेश से दूर। बेटा ये ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण परिमाण तो माइनस का नहीं लेना होता है, एक्चुअल में माइनस का आवेश। देखो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, E2 इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देते हैं, वो तो फिजिक्स का मतलब ही नहीं है उनके लिए। तो बेटा मैं कब से कह रहा हूं तीव्रता सदिश राशि है, माइनस चिन्ह का फर्क उसकी दिशा पर पड़ेगा, दिशा आएगी ऋणावेश की ओर। ये बेटा ऋणावेश की ओर मैंने E2 सदिश दिखा दिया है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ E2 सदिश की दिशा किधर आएगी? इसकी दिशा चित्रानुसार पी से ए की ओर, चित्रानुसार पी ए सदिश की ओर प्राप्त होती है, पी ए सदिश की ओर प्राप्त होती है। क्लियर? यहां तक की बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बिल्कुल लीजिए बेटा, अब इन दोनों का सदिश योग करना है, परिणामी तीव्रता बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो फटाफट बताओ बिंदु पी पर क्या परिणामी तीव्रता E1 सदिश और E2 सदिश के सदिशों के बराबर नहीं होगी क्या? अब बेटा दो सदिशों का सदिश योग करना है तो आपको उनके बीच का कोण पता होना चाहिए, दोनों का E1 और E2 के बीच का कोण। उस कोण के लिए अपन थोड़ा सा काम करते हैं। देखिए कैसे इसका सदिश, देखो आगे अब सदिश है। अब जिसको सदिश नहीं पढ़ा हुआ होता है, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, वो तो क्या खाक जोड़ लेगा इसको, तो बेसिक मजबूत होना चाहिए आदमी का। फिजिक्स यहाँ कंप्लीट होती है, आगे सदिश का काम मैं बताता हूँ, मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है। बेटा
या एंगल थीटा है तो बेटा जी ये एंगल भी थीटा आएगा, कोई शक वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों सब समरूप सॉरी समभुजांग समत्रिभुज है। मैंने इसके आधार ए बी के समांतर एक रेखा खींच लिया, पर अब आपको दो समांतर रेखा दिख रही होंगी ए बी और ये, इस समांतर रेखा में ये कोण थीटा है तो बेटा ये इसका एकांतर कोण थीटा आएगा। ऐसे ये कोण थीटा है तो इसका ये एकांतर कोण कितना आएगा, थीटा। ये तो समझते हैं ना आप। चलो मैं यहां बना के बताता हूं, दो समांतर रेखा है उनको एक रेखा ऐसे काट रही है और एक रेखा ऐसे काट रही है, बेटा ये कोण थीटा है तो ये थीटा आएगा और ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। एकांतर कोण नहीं है क्या, जेड बन रहा है और उल्टा जेड बन रहा है, क्लियर। अब थीटा का शीर्षाभिमुख कोण ये भी कितना आएगा, थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण यदि आप थीटा लेते हो तो ई1 और ई2 के मध्य का कोण 2 थीटा आएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा नहीं हो गया क्या। और बताओ दो सदिशों के मध्य का कोण पता चल गया तो उनका परिणामी तो ज्ञात हो ही जाएगा। परिणामी के भी दो मेथड होते हैं, एक तो आप सूत्र लगाओ अंडर रूट ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर प्लस 2 ई1 ई2 कोस 2 थीटा, ध्यान का थीटा नहीं एंगल, अब 2 थीटा है। और दूसरा मेथड सिंपल सा है, इनको कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर लो। चलो कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, अब मैं यहीं पर कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व करूंगा तो आप इसमें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये क्या कर दिया सर ने, तो इस साइड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है बेटा, देखिए E1 सदिश तो आपने इस डायरेक्शन में आया आपके पास में, E2 सदिश आपके पास में इस डायरेक्शन में आया, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। बताओ इस E1 का कॉम्पोनेंट लेंगे अपन तो इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बोले तो इस E1 का घटक लेंगे तो E1 का 37 घटक कितना आएगा, E1 cos थीटा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये घटक कितना आएगा, E1 sin थीटा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। E2 का ये घटक कितना आएगा बताओ, E2 cos थीटा, और E2 का ये घटक कितना आएगा बताओ, E2 sin थीटा, क्लियर। अब ये घटक लेना तो आना ही चाहिए बेटा, थीटा के साथ वाला घटक cos थीटा लाता है, थीटा के विदाउट वाला परपेंडिकुलर घटक sin थीटा होता है। अब बेटा ये देखिए E1 और E2 तो परिमाण में बराबर है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। E1 और E2 का परिमाण बराबर होने से इस सदिश का परिमाण भी और इस सदिश का परिमाण भी, दोनों सदिश देखो एक दूसरे के विपरीत है भाई, घटकों में बांटने के बाद में एक सदिश के दो दो सदिश बना लिए, नहीं बना लिए। अब ये सदिश और ये सदिश एक दूसरे के विपरीत है और दोनों का परिमाण समान है, ये भी E1 साइन थीटा, ये भी E1 ही, क्योंकि E2 की जगह E1 लिख लो, बात एक ही है क्योंकि दोनों का परिमाण समान है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, केवल कौन से जुट जाएंगे, 37 घटक। काम की बात सुनिए, 37 घटक जुड़ेंगे तो बताओ परिणामी तीव्रता आ गई E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और वो इसी दिशा में आएगी क्योंकि 37 घटक जुड़ रहे हैं, ये वाले इस दिशा में जुड़ रहे हैं तो परिणामी तीव्रता भी इसी दिशा में आएगी क्योंकि इस वाले सदिश और इस वाले सदिश ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, समझ रहे हैं। अब बताओ परिणामी तीव्रता निरक्ष पर इस दिशा में आएगी, इस दिशा में आएगी तो बताओ विद्युत द्विध्रुवावेग की दिशा में आएगी, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विद्युत द्विध्रुवावेग तो होता है माइनस से प्लस की ओर, जबकि यहां दिशा आई है प्लस से माइनस की ओर इस दिशा में, समझ रहे हैं क्या बात को। अरे विद्युत द्विध्रुवावेगन तो इधर नहीं होता है क्या, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर, जबकि ये आ रहा है प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। आई थिंक आपकी बात समझ में आई होगी। तो बेटा E1 और E2 का सदिश योग करना है तो इनको घटकों में बांट लो, घटकों में कैसे बांटोगे वो मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। घटकों में कैसे बांटोगे वो मैंने साइड में यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, ये बात यदि आपकी समझ में आ गई तो आंसर ही आ गया बेटा। बताओ बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी आ गई, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यहां लिख देता हूं। ये बात लिखनी पड़ेगी आपको लैंग्वेज में, ध्यान रखना। वैसे तो आपको मैंने PDF सेंड की है पूरे चैप्टर की, उसमें सब लिखा हुआ है, फिर भी ध्यान रखना ये बात लिखनी होती है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ये लिखोगे आपके ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त कर देते हैं, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, और चलो मैं लिख देता हूं ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण, दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ऐसा क्यों, परिमाण में समान कैसे हैं ये भाई, दिशा तो आप चित्र से बता सकते हो, क्योंकि E1 का परिमाण है वो E2 के परिमाण के बराबर ही है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्लियर।
अतः परिणामी तीव्रता यहां से तीव्र घटकों के योग से प्राप्त होती है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटकों E1 cos थीटा व E2 cos थीटा के योग से प्राप्त होती है, योग से प्राप्त होती है क्योंकि इनकी दिशा समान है। अतः बताओ निरक्ष पर तीव्रता का परिमाण यदि आपको चाहिए तो बताओ निरक्ष पर तीव्रता का परिमाण कितना आएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये दोनों घटक डायरेक्ट जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों की दिशा समान है। बेटा जी ये लो सॉल्यूशन ही हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि अपने को अगले पेज पर जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़े, यहीं पर समझ में आ जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे जाती है तो फिर दिक्कत होता है थोड़ा सा, पिछले वाला आप देख नहीं पाता है। देखिए निरक्ष पर तीव्रता आ गई है E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। अब कुछ बच्चे सर वो E2 को E1 क्यों लिख दिया है, बेटा E1 का परिमाण E2 के बराबर ही तो था, कितना था, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बताओ यहाँ से निरक्ष पर तीव्रता कितनी आ गई, निरक्ष पर तीव्रता आ गई 2E1 cos थीटा। बताओ यहाँ से निरक्ष पर तीव्रता कितनी आ गई, फटाफट बताते जाए 2E1, फिजिक्स है नहीं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये E1 पता है, cos थीटा और पता कर लेते हैं। चित्र में कोस थीटा देखो, यहां से इस चित्र से कोस थीटा कैसे यहां लिख देता हूं, बताओ कोस थीटा कितना आएगा, लाल बट्टा कक्का से आधार बट्टा करण होता है, पता है ना आपको, थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, लंब तो हो गया आर, आधार हो गया ए और करण हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा का मान कितना आएगा वो मैंने यहां मेंशन कर दिया है, यूज ले लेते हैं ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बताओ निरक्ष पर तीव्रता आ गई है ई निरक्ष बराबर 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा क्या हो गया, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब पावर आधी होती है, हाफ होती है, क्लियर। आगे मैथ से सिंप्लीफाइड कर लो फटाफट। ई निरक्ष, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, बताओ ये 2 इसके साथ चिपका दिया तो क्या बना, KQ इंटू 2A बन गया। डिवाइड करो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहाँ 1 है और ये अंडर रूट है तो पावर हाफ है, 1 और हाफ कितना हो गया 3/2। अरे ये तो पता है ना, बेस समान हो तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, इसकी घात एक इसकी आधी, बेस दोनों का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक आधा 3/2। ये दो मैंने इसे एक के साथ चिपका दिया है, क्यों चिपका दिया है समझदार बच्चों, समझ में आ गया होगा, क्यू इंटू 2A को पी भी तो लिखना है, तो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहां से निरक्ष प्रतिवर्ता बन गई है, निरक्ष प्रतिवर्ता के क्यू इंटू 2A, बताओ क्यू इंटू 2A पी विद्युत विद्युत आघूर्ण अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। वही कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, यदि आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो तो बताओ ये आर की वैल्यू से ए स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बहुत बड़ी हो तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, और यदि बेटा नगण्य मानेंगे ना आर स्क्वायर की तुलना में स्क्वायर को, तो ये जीरो करेंगे आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर क्यूब नहीं बनेगा क्या, तो निरक्ष प्रतिवर्ता बन जाएगी KP अपॉन आर क्यूब। चलिए ये तो इसका परिमाण है केवल, तीव्रता सदिश राशि है तो सदिश रूप में भी लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, फटाफट लिख दीजिए, फटाफट लिख दीजिए सदिश रूप में, सदिश रूप में बताओ ई और पी की दिशा समान की विपरीत विपरीत, अभी बताई थी डायग्राम में आपको, एक बार फिर देख लो आप डायग्राम को अच्छे से देखें, बताओ दोनों का योग करेंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इस दिशा में नहीं आएंगे क्या, अब बेटा इधर वाले घटक जुड़ रहे हैं तो दिशा भी इधर ही आएगी, इधर आने का मतलब माइनस से प्लस की ओर की प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, और प्लस से माइनस की ओर दिशा आ रही है, इसका मतलब है विद्युत विद्युत आघूर्ण की विपरीत दिशा में। मैंने कहा था विद्युत विद्युत आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, जबकि यहां दिशा आई है धनावेश से ऋणावेश की ओर, इस दिशा में आई है, और इस दिशा में आई है तो विद्युत विद्युत आघूर्ण के पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल विपरीत है। तो बेटा निरक्ष पर दिशा आ गई ई निरक्ष, सदिश रूप में बात करें इस पर सदिश लगाओगे तो के पी के साथ माइनस लगाओगे, ये माइनस साइन रो रो के कह रहा है कि
पी की और ई की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, कौन से बिंदु पर? निरक्ष के बिंदु पर। ये फॉर्मूला आ गया है सदिश रूप में, दिशा आप चित्र से एक्सप्लेन कर सकते थे। इसी के साथ निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कंप्लीट। थैंक यू।